कटनी जिले में बीजेपी के टिकट वितरण के साथ ही बागावती सुरभि अब मुखर होने लगे हैं। कुछ दिनों पहले बीजेपी महापौर की प्रत्याशी रही ज्योति विनय दीक्षित ने अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब मुड़वारा प्रत्याशी घोषित होने के बाद दूसरा नेता भी बागी हो गया है। बता दें कि बीजेपी नेता संतोष शुक्ला ने पार्टी का विरोध किया। उन्होंने मुड़वारा विधानसभा से घोषित प्रत्याशी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे अन्य पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही संतोष शुक्ला ने बीजेपी विधायक पर गुटबाजी के भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लगातार नेताओं के पार्टी से बागी होने पर बीजेपी प्रत्याशी संदीप जायसवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। जिस शहर ने उनको एक बार पार्षद, दो बार महापौर, दो बार विधायक बनाया, तीसरी बार पुनः वो प्रत्याशी है। हकीकत में शहर के लोग कस्बाई मानसिकता के नहीं है। कस्बा उन्होंने उस शहर को बना के रखा हुआ है। क्या हम सम्राट जब हमारे रिश्तेदार रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, जैसे ही सम्राट होटल के अंदर से कटनी शहर में एंट्री करते हैं, सम्राट होटल एक सामने की रोड सभी ने देखी हुई है, शायद ऐसा लगता है कि हम किसी कस्बे में आ गए। क्या इतने वर्षों में माननीय विधायक जी ने कभी रेलवे के अधिकारियों से या नगर निगम के साथ बैठकर कोई ऐसा निर्णय निकाला कि सम्राट होटल को कहीं अन्यत्र स्थापित करके वहां के लोगों को रोजगार से वंचित भी ना होने दें और शहर को एक उचित व्यवस्था दे दें। अभी कुछ बीते समय में 30 करोड़ के आसपास की सरकार ने पैसा दिया है, उसके उस समय पूर्व कलेक्ट्रेट में किसी मीटिंग में पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी से कहीं मिसबिहेव किया गया था, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद में बैठे हुए उनसे जब उनके साथ ये स्थिति होगी तो आम कार्यकर्ता क्या करेगा। ये उचित नहीं है। कटनी शहर की जनता के अंदर और मैं चाहता तो यहाँ बहुत सारे लोगों को लेके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, लेकिन मैं अपने लोगों को विवादित क्यों करूं और अपने पूरे पत्ते क्यों खोलूं? मेरे अंदर की भड़ास निकालूं, आपने जनता की भड़ास निकाला, प्रत्याशी चयन गलत हुआ है, ये ऊपर संदेश देना। अपने सर्वे करवा रहे, सब करवा रहे, उसके बाद आप पत्रकार भाई ये बता सकते हैं क्या चयन सही हुआ? क्या शहर की वर्तमान स्थिति 3 दिन से क्या है, उसके बाद इतनी निरस्ता शहर में, ऐसा कभी इतिहास में हुआ है?